वर्ल्ड कप 2023 का नहीं क्वालिफायर मैच में दोस्तों श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच में अगर आप लोग लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमाना चाहते हो तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पर आए हैं दोस्तों। मात्र 24 रुपए देकर के आपके इनाम की राशि जो कुल इकट्ठा की गई है वो 10 करोड़ रुपए इकट्ठा की गई है। अगर आप लोग फर्स्ट रैंक लेकर के आते तो आपको 1 करोड़ रुपए मिलेगा और दूसरी रैंक लेकर आते हैं तो आपको 15 लाख रुपए मिलेगा और यहाँ पे तीसरी रैंक लेकर के आएंगे तो 5 लाख रुपए मिलेगा। चौथी रैंक में 3 लाख दोस्तों, पांचवी रैंक में 1-2 लाख, छठी रैंक में 1 लाख, सातवीं रैंक में 50,000 रुपए मिलने वाले। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों को लाखों हजारों रुपए यहाँ पे जीतने का मौका मिल रहा है। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना दोस्तों, ड्रीम इलेवन पर टीम बनानी है और दोस्तों पूरी जानकारी मिलेगी कि आखिरकार आज कप्तान किसको बनाए, किस खिलाड़ी को यहाँ पे टीम में शामिल करना है, किस खिलाड़ी को टीम में शामिल नहीं करना, कहाँ पे मैच होगा, किसको कब, और दोस्तों कौन से खिलाड़ी आज आपको अच्छा खासा स्कोर कर देंगे, कौन से ऐसे बॉलर हैं जो आपको विकेट लेकर के देंगे। दोस्तों श्रीलंका की पूरी टीम यहाँ पे तैयार है और उसके बाद यहाँ पे हमारे जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों को यहाँ पे पिछले 3 से 4 मुकाबलों में कौन से खिलाड़ी ने कितने रन बनाए, कितने विकेट्स लिए, किस बल्लेबाज ने शतक मारा, किसने अर्धशतक मारा, पूरी जानकारी दोस्तों आपको मिलने वाली। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। श्रीलंका भी अभी स्ट्रगल कर रही है वर्ल्ड कप खेलने के लिए क्योंकि वेस्ट इंडीज तो हार चुकी है और वो बाहर भी हो गई है कि अब वेस्ट इंडीज जो है फर्स्ट टाइम की दो बार की चैंपियन वर्ल्ड कप जीती हुई टीम अब तीन बार क्वालिफाई नहीं कर पाई है वर्ल्ड कप के लिए। तो वहीं श्रीलंका भी स्ट्रगल कर रही है, देखना होगा क्या श्रीलंका भी वर्ल्ड कप खेल पाएगी या नहीं खेल पाएगी क्योंकि श्रीलंका के लिए भी अभी खतरा मंडरा रहा है। वहीं जिम्बाब्वे को देखना होगा क्या जिम्बाब्वे भी पहुंचेगी वर्ल्ड कप खेलने के लिए या फिर नहीं पहुंच पाएगी। तो दोस्तों आपको हम बता दें यहाँ पे जो मैच होने वाला है वो मैच होगा दोस्तों स्थान जहाँ पे जो स्टेडियम है क्वींस स्पोर्ट्स क्लब बुलवायो जिम्बाब्वे में जो कि पड़ता है। दोस्तों अगर हम यहाँ पे पिच रिपोर्ट की बात करें तो पिच रिपोर्ट में बल्लेबाजों के लिए फायदेमंद होगी दोस्तों, यहाँ पे बल्लेबाज अच्छे खासे रन बना सकते हैं और देखना होगा कि दोनों टीम के 1-2 बल्लेबाज हो सकता है शतक भी मार दें और अर्धशतक तो पक्का जाएगा इस पिच पर। दोस्तों अगर हम पिच की बात करें बॉलर्स में तो दोस्तों स्पिनर्स को ज़्यादा फायदा मिलेगा दोस्तों, फास्ट बॉलर को थोड़ा यहाँ पे कम फायदा मिलने वाला है। अगर हम कुल औसत रन की बात करें तो इस पिच पर दोस्तों 225 से लेकर के 250 रन तक आपको यहाँ पे बनते हुए दिखाई देंगे। ये दोस्तों औसत स्कोर होता है और इससे 10 से 20 रन आगे पीछे भी हो सकते हैं। कुल विकेट की बात करें दोस्तों यहाँ पे कुल विकेट लिए गए हैं 77 कुल विकेट लिए गए हैं इस पिच पर दोस्तों। अगर वहीं पे बात करें तो दोस्तों स्पिनर्स ने 41 विकेट झटके हुए हैं और फास्ट बॉलर जो कि पेसर्स ने 36 विकेट लिए हुए हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें वर्ल्ड कप 2023 में किस प्रकार से आगाज होगा, कब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा, दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। दोस्तों हम यहाँ पे आपको वर्ल्ड कप से पहले आपको इतनी सारी ट्रिक एंड टिप्स बताएंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। आने वाले समय में आप लोग वर्ल्ड कप में बहुत सारा इनाम जीत सकते हैं। उसके पहले एशिया कप शुरू होगा, एशिया कप से पहले आपको वेस्ट इंडीज सीरीज शुरू होने वाली है 12 जुलाई से दोस्तों, तो आप लोग उस पर भी आके ड्रीम इलेवन में टीम बनाइएगा, बहुत सारा पैसा जीत सकते हैं। तो दोस्तों आपके लिए इस बार आईपीएल के बाद इतने सारे अवसर मिल रहे हैं जिसमें आप लोग अच्छा खासा पैसा जीत पाएंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि आज ड्रीम इलेवन में कप्तान उपकप्तान किसको बनाएंगे, कौन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा कप्तान उपकप्तान के लिए। दोस्तों पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है दोस्तों यहाँ पे कि किसको आप कप्तान बना सकते हैं, क्या हाई परसेंटेज सिलेक्शन वाले को कप्तान बनाएंगे या फिर लो परसेंटेज वाले खिलाड़ी को आप कप्तान बनाएंगे। आपके लिए दोस्तों बेस्ट जो रहेगा उसी खिलाड़ी को हम बताएंगे कि आप लोग सेफ टीम में कप्तान किसको बना सकते हैं और रिस्की टीम के लिए आपके लिए कप्तान कौन बेस्ट रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे दिखा सकते हैं कप्तान उपकप्तान के लिए, देख सकते हैं यहाँ पे कुशल मेंडिस हैं विकेट कीपर और यहाँ पे पी निशंका हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज आपके लिए, डसन सनाका हैं, सी एस लंका हैं और बहुत सारे खिलाड़ी, एस विलियमसन हैं, सिकंदर रजा हैं, डब्ल्यू एस रंगा हैं और यहाँ पे बात कर ले तो दोस्तों यहाँ पे खिलाड़ी हैं एम दिशाना हैं। तो इतने सारे खिलाड़ी दोस्तों आपको यहाँ पे हैं जो कप्तान उपकप्तान बनने के हकदार हैं। अभी आपको बताएंगे कि आखिरकार कप्तान उपकप्तान का सिलेक्शन परसेंटेज कितना है वो भी आपको बताएंगे। दोस्तों पहली रैंक लाने वाले को यहाँ पे 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा आज के मैच में श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच में।
इंडिया वर्सेस पाक का मैच कब होगा? पहला मैच दोस्तों इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा नखरे दिखा रहा है कि इंडिया में हम नहीं खेलेंगे, अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में नहीं आएंगे। बहुत मुश्किल में इंडिया आने के लिए तैयार हुआ तो कह रहा मोदी स्टेडियम में नहीं खेल, दुनिया भर के नाटक बता रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान के दिल में एक डर बसा हुआ है, वो पाकिस्तान इंडिया क्यों नहीं आना चाहता, क्योंकि पता है उसको कि हार जाएंगे, इंडिया से हम जीत नहीं पाएंगे, चाहे हमारे बाप दादा उखड़ जाएं, इसलिए इंडिया से वो मतलब मैच खेलने से डरता है। तभी वो एक दूसरे को बहाना ढूंढ रहा है कि हम इंडिया नहीं जाएंगे या फिर वहाँ पर स्टेडियम में नहीं खेलेंगे। अगर ये मान लो आप लोग इंडिया में कोई भी टीम आएगी तो उसको स्टेडियम से क्या परहेज है, क्या दिक्कत है, उसको तो मैच खेलना, जीतना या हारना दो ही। मगर उस के जहन में कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जहन में डर बसा हुआ कि वो आज तक ओडीआई वर्ल्ड कप में आज तक कभी भी पाकिस्तान इंडिया से नहीं जीत पाई है, तो इसीलिए वो बहाना ढूंढ रही है कि शायद अब पाकिस्तान को इंडिया से हारने की शर्मनाक हार की वजह से मुंह छिपाना पड़ता है, पूरी दुनिया में उनका मुंह मतलब दिखाने लायक नहीं होता, क्योंकि इंडिया से वो हर बार वर्ल्ड कप में हारती है। तो इसीलिए पाकिस्तान सोचती है कि हम कोई बहाना बचा दें और हमारा इंडिया के सामने मैच ना हो, कैंसिल हो जाए। मगर ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप अपने क्रिकेट को ऊपर ले जाना चाहते हैं तो आपको पाकिस्तान या इंडिया में मैच खेलना ही पड़ेगा। वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे तो आपकी पूरे देश में बदनामी होगी, पूरे दुनिया में बदनामी होगी कि आप अपने वर्ल्ड कप को नीचे ले जा रहे हैं ऊपर उठाने की जगह पर, मतलब कि क्रिकेट को। पाकिस्तान से क्रिकेट का नामो निशान मिट जाएगा अगर वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान ने खेलने से मना कर दिया। इंडिया इतनी दम रखती है कि वो पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगी, चाहे एशिया कप हो चाहे वर्ल्ड कप। अब एशिया कप को BCCI और ICC के मेन जो मेंबर होते हैं वो लोगों ने श्रीलंका में इंडिया के लिए मैच रख दिए हैं, पाकिस्तान इंडिया को नहीं जाना पड़ेगा। मगर पाकिस्तान इतनी ज़्यादा उसकी इंडिया के सामने एक भी औकात नहीं है, उसको इंडिया आना ही पड़ेगा। अगर नहीं आएगी तो भी पूरे दुनिया में उसकी बेइज्जती होनी तय है। दोस्तों क्या इंडिया हारेगा पाकिस्तान के सामने? आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या इंडिया पाकिस्तान से हार जाएगा या जीतेगा? आप लोग इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान पूरे दुनिया में फेमस है, सबसे ज़्यादा अगर ट्रैफिक आता है तो इंडिया IPL के बाद में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में ही लोग देखना पसंद करते हैं, क्योंकि इंडिया वाले नहीं चाहते कि हम पाकिस्तान से हार करके अपनी बेइज्जती करवाएं, और पाकिस्तान वाले भी नहीं चाहते कि हम इंडिया से हार करके अपनी बेइज्जती चाहें। दोनों देश के जो दर्शक हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करती हैं। तो अब दोस्तों वर्ल्ड कप में एक बार फिर से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को आपको मुकाबला देखने को मिलेगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं श्रीलंका वर्सेज जिम्बाब्वे के बीच में, तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि श्रीलंका की टीम और जिम्बाब्वे की टीम में कौन सा उनके खिलाड़ी खेलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं श्रीलंका की तरफ से कुशल मेंडिस हैं, विकेट कीपर हैं, प्रथम निशंका हैं, और दिमुस कतराने हैं, चरित असलंका हैं, दसुन सनाका जो कि श्रीलंका के कप्तान हैं, उसके बाद सदीरा समरा विक्रमा हैं दोस्तों, और वनिद हजरंगा हैं, और धनंजय डिसलवा हैं, महेश दिसाना हैं, दिलशान मधुशंका हैं, लहूरी कुमार हैं। और दोस्तों यहाँ पे ये देख सकते हैं ये श्रीलंका की टीम है। और वहीं बात कर लेते हैं जिम्बाब्वे की तरफ से, तो जिम्बाब्वे में दोस्तों क्रेग एरविन है जो कि विकेट कीपर हैं, जयलार्ड गुम्बी हैं, सिकंदर राजा जो कि ऑलराउंडर है, शान विलियमसन भी ऑलराउंडर हैं, वेस्ली मदवेरे हैं, रायन बर्ल हैं, उसके बाद रिचर्ड गिनरावा हैं, आशीर्वाद मुजरबानी हैं, और तेंदई चतरवा हैं दोस्तों, वेलिंगटन मसाका जदा हैं, और ल्यूके जोंगवे हैं। ये सभी खिलाड़ी दोस्तों जिम्बाब्वे की तरफ से। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार श्रीलंका के खिलाड़ियों को पिछले मुकाबलों में किस प्रकार से रन बनाए, कितने विकेट लिए हैं, और जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों ने कितना प्रदर्शन किया है, उनका कैसा फीडबैक पिछले मुकाबलों का है, थोड़ा सा आपको 3 से 4 मैचों का यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा। आखिरकार कौन सा खिलाड़ी यहाँ पे अभी प्रदर्शन मतलब उसका अच्छा है, कौन सा खिलाड़ी यहाँ पे उसका प्रदर्शन थोड़ा सा खराब जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे हैं दोस्तों कुशल मेंडिस जो कि पिछले मैचों में 10 रन 1 विकेट और 78 रन बनाए हुए, प्रथम निशंका 0 रन 75 रन 20 रन 37 रन 57 रन बनाए हुए हैं पिछले मुकाबलों के, दोस्तों उनका स्कोर है। और दिमुस कतराने 33 रन 7 रन 103 रन 61 रन दोस्तों यहाँ पे बनाए हुए, चरित असलंका 2 रन 63 रन 38 रन 0 रन, और दसन सनाका जो कि विकेट की कप्तान है श्रीलंका के, 5 रन 1 विकेट 0 रन 1 विकेट 5 रन 1 विकेट दसन सनाका का है। सदीरा समरा विक्रमा है 26 रन 82 रन 10 रन, वनिद हसरंगा है 20 रन 2 विकेट 15 रन 2 विकेट और 4 रन 5 विकेट 5 विकेट।
धनंजय डिसिल्वा है 93 रन 23 रन 42 रन, महेश दिशाना 28 रन 3 विकेट 16 रन 3 विकेट 2 विकेट, और दिलशान मधुशंकर लहिरू कुमार इनका कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा। दोस्तों जिम्बाब्वे में देख सकते हैं क्रेग एर्विन है जो विकेट कीपर है, इनका दोस्तों रन देखें तो 25 रन 47 रन 50 रन 121 रन बनाए हुए हैं, और जलियार्ड गुम्बी है 21 रन 78 रन और यहाँ पे 26 रन 40 रन बनाए हुए। सिकंदर राजा जो कि ऑलराउंडर हैं 42 रन 1 विकेट और 48 रन 2 विकेट, सिकंदर राजा 68 रन और उसके बाद 2 विकेट। शॉन विलियमसन है 142 रन 174 रन 23 रन 91 रन। वेली मदवेरे का कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा। उसके बाद रयान बर्ल हैं 47 रन और 50 रन 13 रन। रिचर्ड ज्ञान रावा है दोस्तों 11 रन 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट इन्होंने लिया विकेट, ये गेंदबाज हैं। उसके बाद आशीर्वाद मुजरबानी है जिनका 3 विकेट 2 विकेट है, और तेंदई चतरा है दोस्तों 3 विकेट 8 रन 3 विकेट। वेलिंगटन मसाका जदा है दोस्तों, और ल्यूंके जेंगवे हैं जिनका 43 रन बना हुआ, इन्होंने विकेट नहीं लिया। तो दोस्तों दोनों ही टीम के खिलाड़ियों का आपने स्कोर देखा, किस प्रकार से कौन से बल्लेबाज ने कितने रन बनाए दोस्तों आपको, और किस गेंदबाज ने कितने विकेट लिए, वो सभी चीज़ें आपको दोस्तों पता चल गई हैं। अब हम दोस्तों आपको लाइव दिखाएंगे कि आखिरकार किसको आप अपने टीम में शामिल कर सकते हैं। जिम्बाब्वे वर्सेस श्रीलंका का जो ड्रीम इलेवन में आप लोग टीम बनाएंगे उससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर दोस्तों हम यहाँ पे बात कर लें विकेट कीपर के तौर पर, तो दोस्तों हम विकेट कीपर यहाँ पे लेंगे दोस्तों, इनका सिलेक्शन पर कुशल मेंडिस थोड़ा सा अभी इस समय डाउन चल रहे हैं तो हम कुशल मेंडिस को नहीं लेंगे। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं सदीरा विक्रमा सिंह को हम लेंगे, और इनका ड्रीम टीम में 60% सिलेक्शन रेट है तो इनको लेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इनका देख सकते ड्रीम इलेवन सिलेक्शन परसेंट 40% है। जलियार्ड गुम्बी जो कि जिम्बाब्वे के खिलाड़ी हैं, और कुशल मेंडिस का सिलेक्शन परसेंटेज ड्रीम टीम में काफ़ी कम है, इसलिए इनको हम ड्रॉप करेंगे। और उसके बाद बात कर लेते हैं और भी जो खिलाड़ी हैं वो भी आपको दिखाएंगे कि उनका ड्रीम टीम में कैसा सिलेक्शन परसेंटेज है, क्योंकि ड्रीम टीम का सिलेक्शन परसेंटेज ही आपको जितवाएगा। कोई बड़ा खिलाड़ी छोटा खिलाड़ी दोस्तों नहीं होता यहाँ पे, जो अच्छा प्रदर्शन करता है वही खिलाड़ी आपके लिए बेस्ट होगा, चाहे वो कोई कप्तान हो या कोई बहुत ही बड़ा महान खिलाड़ी हो। तो दोस्तों हम यहाँ पे लेंगे विकेट कीपर में इस समय, और जे जलियुम्बी गुम्बी को लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकती हैं दोस्तों इनका भी बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन है, इनका ड्रीम टीम में आपको सिलेक्शन परसेंटेज भी दिखाएंगे, 75% सिलेक्शन रेट है, तो इनको भी हम अपने टीम में ज़रूर शामिल करेंगे। और दोस्तों देख सकते हैं दिलशान कतराणे हैं, इनका 80% सिलेक्शन रेट है, तो इनको भी हम अपने टीम में शामिल करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती हैं प्रथम निशंका को भी अपने टीम में शामिल करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें चरित असलंका हैं, चरित असलंका भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम चरित असलंका को भी अपने टीम में शामिल करेंगे ऑलराउंडर के तौर पर देख सकते हैं, या फिर अभी चरित असलंका को नहीं लेंगे, ऑलराउंडर के तौर पर हैं एम विलियमसन है, एस विलियमसन है, सिकंदर रजा है, डब्ल्यू एस रंगा है, और डी सलवा, 4 ऑलराउंडर आपको लेने ही पड़ेंगे दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें देख सकते हैं यहाँ पे आपके लिए दोस्तों बल्ले गेंदबाज की बात करें तो इनको भी लेंगे जिम्बाब्वे की तरफ से, आर रिचर्ड ग्रावा हैं दोस्तों जो कि बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे गेंदबाज हैं। और उसके बाद एम दिशाना को हम अपने टीम में ज़रूर शामिल करेंगे दोस्तों, ऑलराउंडर लेने से हमको ज़्यादा बेस्ट होगा, और यहाँ पे हमें गेंदबाज कुछ खास दिखाई नहीं दे रहे हैं, इस वजह से हम इस सेफ टीम में आपको ऑलराउंडर ज़्यादा लेकर चल रहे हैं। तो चलिए अब हम आपको फाइनली कप्तान उपकप्तान के लिए बता रहे हैं कि आखिरकार कौन सा खिलाड़ी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, किस खिलाड़ी को ज़्यादातर लोग कप्तान उपकप्तान बना रहे हैं। तो देख सकते हैं जे गुम्बी को 0.51% लोग कप्तान बना रहे हैं, और वाइस कैप्टन की बात करें तो 0.74%, एस समर विक्रमा को 0.693 दोस्तों वाइस कैप्टन बना रहे हैं, दिलशान कतराणे को दोस्तों देख सकते हैं 3.6% लोग कप्तान बनाना चाहते हैं, और वाइस कैप्टन की बात करें तो 3.9% लोग, लगभग 4% लोग दिलशान कतराणे को उप कप्तान बनाना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पे सी एरविन है दोस्तों 2.54% लोग इनको कप्तान बनाना चाहते हैं, वाइस कैप्टन 3.7% लोग उप कप्तान बनाना चाहते हैं, प्रथम निशंका को 2.64% लोग कप्तान बनाना चाहते हैं, वाइस कैप्टन 2.97%, और वानी दसरंगा को दोस्तों सबसे ज़्यादा यहाँ पे कप्तान बनाना चाहते हैं, 28.48% लोग वानी दसरंगा को कप्तान बनाना चाहते हैं, और वानी दसरंगा को 30.54% लोग उप कप्तान बनाना चाहते हैं, एस विलियमसन को दोस्तों 32.01% लोग कप्तान बनाना चाहते हैं, वाइस कैप्टन 19.37% लोग उप कप्तान बनाना चाहते हैं, सिकंदर राजा को 20.74% लोग कप्तान बनाना चाहते हैं,
और सिकंदर रजक को 31.61% लोग वाइस कैप्टन बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों हमने आपको दिखा दिया, बॉलिंग में कुछ खास प्रदर्शन है नहीं दोस्तों, और यहाँ पे देख सकती हैं एम दिशाना को आप अगर चाहते हैं तो कप्तान और वाइस कैप्टन के रूप में चुन सकती हैं, वो भी इसकी टीम के लिए। दोस्तों हम यहाँ पे सेफ टीम के लिए आपको कप्तान बना के देंगे, और एस विलियमसन को हम यहाँ पे कप्तान बनाएंगे, और दोस्तों वानी दशरंगा को वाइस कैप्टन बना सकते हैं। अगर आप एस विलियमसन को कप्तान नहीं बनाना चाहते तो आप लोग दोस्तों यहाँ पे भी बना सकते हैं कप्तान, सिकंदर रजक को भी बना सकते हैं। चलिए हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हमारी टीम बन करके फाइनली कैसे तैयार हुई है, आपको हम टीम दिखाते हैं। ये दोस्तों रही सेफ टीम, और आपको एक रिस्की टीम बना करके भी दिखाएंगे। देख सकते हैं सेफ टीम हमारी बन करके तैयार हो गई है, इतने खिलाड़ियों को दोस्तों हमने लिया। आप लोग देख सकते हैं वीडियो पॉज करके कि एस विक्रमा, समर विक्रमा है, जे गुम्बी हैं, एस इसी सरवीन है, दिलशान कतरानी है, प्रथम निशंका है, एस विलियमसन है, डी सलवा है, सिकंदर राजा है, वानी दशरंगा है, आर नुगवा है, महेश दिशाना है। ये सभी खिलाड़ी आपको सेफ टीम में दिखाई देंगे। अब हम आपको एक रिस्की टीम बना करके देते हैं, जो खिलाड़ी यहाँ पे नहीं चलते उन खिलाड़ियों को हम अपने टीम में जरूर शामिल करेंगे। रिस्की टीम में आप लोग जानते होंगे जो खिलाड़ियों को प्रदर्शन नहीं हो, तो जैसे हम कुशल मेंडिस को भी शामिल करेंगे, और यहाँ पे जे गुम्बी एस इनको शामिल करेंगे, तीनों विकेट कीपर को, दिलशान कतराने हो गए, प्रथम निशंका हो गए। और यहाँ पे अगर आप इनमें से किसी एक खिलाड़ी को नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पे चरित असलंका को भी शामिल करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप सिकंदर राजा और डब्लू एस विलियमसन या सिकंदर राजा, इनमें से तीन खिलाड़ियों को लेकर के जा सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे गेंदबाज लेने पड़ेंगे दोस्तों, महेश दिशाना को आप ले सकते हैं, महेश दिशाना। और दोस्तों यहाँ पे एक हम खिलाड़ी को और कम करेंगे, देखते हैं कि हम किस खिलाड़ी को कम कर सकते हैं। दोस्तों इसको हम हटा देंगे, समर विक्रमा को, क्योंकि हमें गेंदबाज भी चाहिए। दोस्तों गेंदबाज यहाँ पे देख सकते हैं, गेंदबाज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे, महेश दिशाना है। और यहाँ पे हम इन दो गेंदबाज के साथ फिर से जाना चाहेंगे, क्योंकि हमने ऑलराउंडर काफ़ी ले लिए हैं, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं होने वाली दोस्तों। और देख सकते हैं हम दोस्तों, अब यहाँ पे आपको कप्तान हमने दिखा ही दिया था, अब हम यहाँ पे दोस्तों कप्तान बनाना चाहेंगे। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं असलंका है, और उसके बाद यहाँ पे हम बनाना चाहेंगे दोस्तों, देख सकते हैं कप्तान हम बनाएंगे दोस्तों यहाँ पे। बल्लेबाजों में भी आप कप्तान उपकप्तान बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, यहाँ पे जैसे प्रथम निशंका है, या चरित असलंका है, या एस सरवीन है, इनको भी उपकप्तान बना सकते हैं, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे। दोस्तों हम सिकंदर रजक को कप्तान बनाएंगे, और यहाँ पे वाइस कैप्टन बनाना चाहेंगे दोस्तों हम, यहाँ पे वाइस कैप्टन बनाएंगे दोस्तों हम, यहाँ पे बना सकते हैं वाइस कैप्टन के लिए। दोस्तों हम आपको बता दें यहाँ पे बना सकते हैं, किसको बनाएं आप लोग देख सकते हैं, केन विलियमसन या फिर वानी दशरंगा को भी बना सकते हैं, या फिर आप इनको नहीं बनाना चाहते तो बल्लेबाज में प्रथम निशंका को वाइस कैप्टन बना सकती हैं, वाइस कैप्टन आप प्रथम निशंका को भी बना सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से हम यहाँ पे प्रथम निशंका को वाइस कैप्टन बनाना चाहेंगे, या फिर आप इनमें से नहीं बनाना चाहते तो फिर आप एस विलियमसन या फिर डब्ल्यू असरंगा को भी बना सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास एक रिस्की टीम भी बन करके तैयार हो चुकी है, और दोस्तों आप लोगों को कैसे लगी हमारी ये टीम, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एक बार आपको टीम दिखा देते हैं, उसके बाद आपको हम बताएंगे कि आखिरकार हमारी टीम कैसे बन करके तैयार हुई। कुशल मेंडिस, जे गुम्बिस हैं, और ये सभी खिलाड़ी हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर आपको एक अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए आपसे एक बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।